अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग कैरियर से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से आप पायनियर अकाउंट बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई और आपको एक एक स्टेप पे बताया कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो जो अकाउंट आपने बनाया था उसको आपने फाइवर के साथ अटैच करना है। तो आज मैं आपको जस्ट बेसिक प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं है। मजीद आपको कोई इशू आ रहा है उसको अटैच करने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चल के कि किस तरह से आप जो अपना पायनियर कार्ड है या पायनियर अकाउंट है उसको किस तरह से आप अटैच कर सकते हैं फाइवर के साथ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस है। ये मैंने एक डमी प्रोफाइल ली है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट $60 अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनको किस तरह से हम विड्रॉ करवा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एक ये विड्रॉ पेपाल, उसके अलावा ये बैंक ट्रांसफ़र और फाइवर रेवेन्यू कार्ड। तो सिंपल हमने क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो बैंक ट्रांसफ़र है इसको यूज़ करना होता है पायनियर को अटैच करने के लिए। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। अब आपने बात ध्यान से सुननी है। पॉपअप आने के बाद यहाँ पे जो वेरीफाई बाय SMS वेरीफाई बाय कॉल है उस पर आपने क्लिक करना है। लेट्स से मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई बाय SMS। अब क्या होगा, जो नंबर मैंने फाइवर क्रिएट करते हुए वेरीफिकेशन पर लगाया था उस नंबर के ऊपर एक कोड गया है, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक कोड एंटर करेंगे तो फाइवर एक लिंक आपके इस ईमेल के ऊपर जो कि इस फाइवर अकाउंट के साथ अटैच है एक लिंक भेज देगा, और उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो सामने आपके एक और स्क्रीन खुलेगी और वहाँ पे वो आपसे कहेगा कि अपने पायनियर अकाउंट को आपने लॉग इन करें। ठीक है, आपने सिंपल अपना पायनियर अकाउंट उस लिंक से क्लिक करके लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका पायनियर अकाउंट ऑटोमेटिकली आपके इस फाइवर अकाउंट से अटैच हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे क्योंकि जो है मैं प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा पा रहा कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन आई होप आपको समझ आई होगी। बिल्कुल बेसिक सा प्रोसेस है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू और मैं आपको असिस्ट करूँगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।